हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव लाइफ विद पैशन। आज हम वेस्ट झाड़ू को यूज़ करके कुछ आइडियाज़ मैं आपको दूंगी कि हम उसको यूज़ करके क्या बना सकते हैं। झाड़ू तो सब फेंक ही देते हैं, वेस्ट ही होता है। ये मैंने झाड़ू को अलग अलग कर लिए इसके स्टिक्स निकाल कर। तो इसमें मुझे ये टू टाइप्स की स्टिक्स मिली थी, एक ये राउंड टाइप की मिली थी और एक ये मेरे को फ्लैट टाइप की मिली थी। तो मैं फ्लैट वाली यूज़ करूँगी, आप राउंड वाली यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने फ्लैट वाली यूज़ की है इसमें। और ये मेरे पास जो डाइनिंग टेबल पे मैट बिछाते हैं वो मेरे पास था, ये पुराना है काफ़ी, तो ये गंदा भी हो चुका है, वेस्ट ही है मेरे लिए। तो मैं इसके ऊपर इसे ग्लू गन की हेल्प से पूरी स्टिक्स को एक साइज़ में कट करके इसके ऊपर मैं इसे चिपकाऊँगी, स्टिक करूँगी। ये देखिए मैंने ले ली है, ये मैं इस साइज़ का मैंने उसको मैट को कट कर लिया है और मैं ये स्टिक्स को उसके ऊपर ग्लू गन की हेल्प से चिपकाऊंगी। अब मैंने ये सारी चिपका ली है, ये मैंने चिपका के कंप्लीट कर दिया है और मैंने सेम साइज़ की इनको कट कर लिया था। ये एक्रेलिक कलर पेंट है, ये मैंने मेटेलिक लिया है, मेटेलिक कॉपर गोल्ड है ये। मैंने जैसे इस पे कर दिया है, आप कोई और कलर भी इस पे कर सकते हो, एक्रेलिक कलर कर सकते हो इस पे, जो आपको अच्छा लगे। मुझे तो ये अच्छा लगा तो मैंने ये किया। और ये जो मैंने साइड में स्ट्रिप छोड़ी हुई है, ये मैं इसको राउंड करके इसके ऊपर चिपकाना है मुझे ये, तो ये मैं चिपकाऊंगी इसको अच्छे से। डबल कोट करके इस पे कलर कर लीजिए, नहीं अगर आप नहीं भी करना चाहते तो ये वुडन लुक में भी बहुत अच्छी लगेगी। आप इसे सिंपल छोड़ दीजिए, वुडन लुक में भी अच्छी लगेगी। तो जो इससे मेरा फर्स्ट आइडिया है, ये मैंने इसको चिपका दिया है। ये फर्स्ट आइडिया मेरा ये है कि इसको हम एज अ टेबल लैम्प यूज़ कर सकते हैं। ये आप बेड के कॉर्नर में या अपने घर के किसी भी कॉर्नर में आप इसको एज अ टेबल लैम्प आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छा लगेगा आपके कॉर्नर को। ये बहुत कोजी बनाएगा। और जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे यूज़ की हैं वो सब DIY हैं, ये सब DIY हैं। आप बताइएगा आपको ये आइडिया कैसा लगा, एंड आप भी मुझे बताइएगा आप इसका और क्या कर सकते हैं। सेकंड आइडिया ये है मेरे पास कि इसको हम चिपकाए नहीं, सिंपल रखें और एज अ टेबल रनर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सेंटर टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे हम इसको एज अ टेबल रनर यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर आप एक ट्रे रखिए, अपना डेकोरेटिव आइटम्स रखिए। और आप इसका, हाँ एक और चीज़, आप मैंने तो नहीं बनाया है, आप इसको छोटे साइज़ में कट करके इसके टी कॉस्टर्स भी बना सकते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको ये, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत अच्छा लगेगा। और इससे आपकी जो टेबल है वो भी ख़राब नहीं होगी, जो टेबल पे जो कवर बिछाएंगे वो भी ख़राब नहीं होगा। और ये सिर्फ आप इसे सिर्फ कपड़े से साफ़ करेंगे हल्के से, तो ये आराम से साफ़ हो जाएगा, कुछ भी इसमें गंदा नहीं होगा। जैसे हम टेबल रनर यूज़ करते हैं गंदे हो जाते हैं तो उनको वॉश करना पड़ता है, तो इसको आप सिर्फ एक सिंपल कपड़े से आप साफ़ कर दीजिए, ये साफ़ हो जाएगा आराम से। और थर्ड आइडिया ये है मेरा, एक साइड टेबल पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हो एज अ ट्रे, आप इसको साइड टेबल पे भी यूज़ कर सकते हो। देखिए मैंने साइड में रखा है, इस पर मैंने ट्रे में कुछ आइटम्स रखे हैं, फ्लावर पॉट रखा है इसके ऊपर, तो ये हम इसको साइड टेबल पे भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इनमें से कोई आइडिया अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप मुझे बताइए आपको ये इनमें से कौन सा आइडिया सबसे अच्छा लगा है। और फोर्थ आइडिया मेरा ये है कि हम इसे एज अ प्लांटर होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं,
देखिए मैंने इसके अंदर प्लांटर रख दिया है, अपना फ्लावर पॉट रख दिया है। तो हमारे पास फ्लावर्स पॉट्स होते हैं जो हम इंडोर रखना चाहते हैं, तो ऐसे हम उसको और डेकोरेटिव बना सकते हैं, उसको और अच्छा बना सकते हैं उससे इस पॉट की एनहेंस। आपके पास अगर अच्छा पॉट नहीं है और आप चाहते हो कि उसे अंदर रखो, तो आप ये आइडिया ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आप मुझे बताइएगा आपको इनमें से सबसे अच्छा आइडिया कौन सा लगा, और आप इसे एज अ हैंगिंग लैम्प भी यूज़ कर सकते हैं। गाइज आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और कौन सा आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।